छोटा सा गांव था जिसका नाम जज्जरपुर था। उस गांव के पीछे एक जंगल था। उस जंगल में दो चुड़ैले बहने रहती थी जुड़वे हुए, क्योंकि उसकी माँ को गांव वाले ने मिलकर उसकी दोनों बहने के माँ को मार डाला था। इसी कारण वो दोनों चुड़ैले जंगल के पेड़ पर रहती थी। उस जंगल से जो भी गुजरता हुआ उसे मार डालती थी। यह कहानी बहुत ज्यादा पुरानी है। यह एक दिन किसान अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तभी उसने दो चुड़ैले को आपस में बात करते हुए देखा। वह डर के तुरंत भाग कर घर को आया और अपने पत्नी से बोला, सुनो जी मैं अपने उस जंगल में कभी मत जाना, बेटी तुम भी मत जाना। उस जंगल में दो चुड़ैले मैंने देखा कि बात कर रही थी। आज के बाद तुम दोनों उस जंगल में मत जाना। लकड़ी काटने के लिए मैं भी नहीं जाऊंगा। अब शहर से मैं लकड़ी काट के लेके आऊंगा, तब घर का खर्चा चलेगा। सुबह वह आदमी अपने गांव वालों को पूरा यह सब बात बताता है कि मैं कल लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तभी मैंने दो चुड़ैले आपस में बात करती हुई दिखी। सभी गांव वाले ने कहा, यह चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती है, चलो तुम मुझे चुड़ैल दिखा दो तो मैं मानू तुम्हारी बात। किसान ने बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम लोग को चुड़ैल दिखाने के लिए ले चलूँगा। गाँव के लोग चुड़ैल को देखने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें सच में चुड़ैल दिखी। और किसान बोला, क्यों देखा ना, मेरी बात पर तुम लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे, भागो, अब क्या देख रहे हो, भागो। चलो अब हम लोग को यह चुड़ैल हम लोग के बच्चे और हम लोग के पत्नियों पर भी खतरा जमा सकती है, मैं एक बाबा को जानता हूँ, चलो उस बाबा के पास, वो बाबा बहुत ज़्यादा अंतर्यामी है, चुड़ैल को मार डालेंगे।